Hi guys, how are you all doing? Welcome back to our YouTube channel. My name is Gagan Jyoti Mohal, and on this channel we talk about lifestyle, fashion and fitness. And thank you so very much for giving so much love. Inna zyada pyar ditta hai tusi meri purani video nu. Amazing. The video, do videos banayi thi maine isse pehle. Ek bandana pe, how to tie bandana, and usse pehle banayi thi kya kehte दाढ़ी पे नहीं दाढ़ी पे और बंडाना पे दो वीडियोस बनी थी लगभग. सो इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू माइट बी डूइंग जो आपकी बियर्ड को खराब कर रहा है या आपकी बियर्ड को अच्छी लगने नहीं दे रहा. एंड आई कैन अश्योर यू दैट कि बियर्ड लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है. अगर आप बियर्ड मेंटेन कर रहे हो तो यू कैन स्टैंड आउट. अगर आप बियर्ड को शाबी रख रहे हो तो गॉड हेल्प. बाकी सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड बेल आइकन को हिट कर दो. मेरा व्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब कर लो. ये सारी चीज़ें कर चुके हो तो उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. वी विल टॉक अबाउट फाइव थिंग्स एंड आई वांट यू गाइस टू फोकस ऑन दीज फाइव थिंग्स ताकि जल्दी जल्दी से आपकी बियर्ड बिल्कुल सही हो जाए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. पहला पॉइंट क्या है? यू आर नॉट गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंस टू योर मुस्टाच. पहली बात, आप अपनी मुस्टाच को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो. दीज आर योर मुस्टाचेस, राइट? दीज आर योर मुस्टाचेस. यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू योर मुस्टाचेस. आप दाढ़ी को एक मेंटेन करके चल रहे हो तो आपको बियर्ड को भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा. एंड ऑल दिस थिंग्स डू मैटर. मैं अपने सिख भाइयों को भी बोल रहा हूँ कि यार, आप दाढ़ी बांध लेते हो, आप दाढ़ी सेट कर लेते हो, बट यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर मुस्टाच. ये देखो, ये मुस्टाच दाढ़ी मैंने बांधी है बट फिर भी मुस्टाच अलग से हाईलाइट करनी चाहिए, अलग से शाइन करनी चाहिए. एंड लड़कियों की बात कर रहे हैं ना, हम लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं. सो ग्रूमिंग टिप्स की जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है, सबसे पहला वो चीज़ आती है योर मुस्टाच. अपनी मुस्टाच को इंपॉर्टेंस दो. एंड आई वॉन्ट यू गाइज जो दाढ़ी बांधते हैं, मैं ये नहीं चाहता कि आप इसको इसी में ही स्टिक कर दो. इसे थोड़ा बाहर रखो, मेंटेन करो. थोड़े दिन लगेंगे बिकॉज वो यूज टू हो चुकी है आपको, आपके बियर्ड में सेट होने के, बट थोड़ा यूज टू होगा. मुस्टाच अलग से आप हाईलाइट करो और अच्छे लगोगे. एंड द सेकेंड थिंग इज, आप अपनी बियर्ड अच्छे से वॉश नहीं करते हो. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गाइज जो अपनी बियर्ड को किसी भी चीज से धो लेते हैं. यार, साबुन मिला, साबुन धो लिया, कपड़े धोने वाला साबुन मिला, उससे धो लिया, सर्फ से, पता नहीं भाई किस किस चीज़ों से आप अपनी बियर्ड धो रहे हो. बट ये बिल्कुल नहीं करना. आपको अपनी बियर्ड की अगर केयर करनी है तो उसे अच्छे से धोना है. यू कैन यूज़ अ शैम्पू. आई यूज़ अ शैम्पू, ठीक है? आई पर्सनली यूज़ अ शैम्पू. बियर्ड वॉश भी यूज़ करता हूँ, शैम्पू भी यूज़ करता हूँ. बट एक चीज़ का ध्यान रखना, दैट यू डोंट अप्लाई डायरेक्टली ऑन योर बियर्ड. शैम्पू आपने लिया, ठीक है, यू कैन टेक अ मग, उसमें शैम्पू डाला, उसमें पानी डाला, डाइल्यूट कर लिया उसे, ताकि आपकी जो बियर्ड पे जो केमिकल्स हैं, जो हार्श केमिकल्स हैं, वो एकदम से रिएक्ट ना करें. तो ये चीज़ आप कर सकते हो. दिस थिंग आई विल रिकमेंड यू. एंड अपनी बियर्ड को रोज धोना है. जो जेल लगा रहे हैं, जो अपनी बियर्ड पे वैक्स लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, एक हेल्दी बियर्ड ग्रो कर रहे हैं, प्लीज़ वॉश योर बियर्ड बिफोर यू गो टू द बेड. अगर आपको इरिटेशन हो रही है तो मतलब इतनी कोशिश करना कि वो आपकी बियर्ड ज़्यादा, मतलब 24 आवर्स से ज़्यादा आपके वैक्स वो पुरानी वाली ना लगी रहे. एटलीस्ट 18 आवर्स तक कोशिश कर सकते हो तो कर लेना, बट 24 आवर्स से ज़्यादा वो चीज़ को मतलब ट्राई मत करना. मैं तो बिल्कुल नहीं होने देता हूँ. उससे आपकी बियर्ड हेल्दी रहेगी. तो क्या करना है आपको? अपनी बियर्ड अच्छे से वॉश करनी है रोज़. अब बियर्ड वॉश करके हम आते हैं अपनी थर्ड चीज़ पे. आप अपनी बियर्ड वॉश कर रहे हो, दैट्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया बात है, अपनी बियर्ड वॉश कर रहे हो. बट आप एक गलती क्या कर रहे हो, आप अपनी बियर्ड वॉश करके मोस्ट ऑफ द गाइज ब्लो ड्रायर, जिनकी लॉन्ग बियर्ड होती है, जिनकी हेल्दी बियर्ड होती है, वो ब्लो ड्रायर कर देते हैं. एंड ब्लो ड्रायर करने के बाद वो जो ब्लो ड्रायर की गर्म हवा होती है आपके बालों को वो डिस्ट्रॉय कर देती है. तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, कोई महंगा हेयर ड्रायर रिकमेंड नहीं करूंगा, बस इतना बोलूंगा कि हेयर ड्रायर वो लो जिसमें कोल्ड वाली सेटिंग भी हो. कोल्ड वाली सेटिंग होगी वो आपकी बियर्ड को इतना हार्म नहीं करेगी. आपको ठंडी ठंडी हवा लगेगी. गर्म हवा आपकी स्किन के लिए भी बुरी है और आपके बालों के लिए भी बुरी है. तो आप एक चीज़ करो, एक ब्लो ड्रायर खरीदो जो ठंडी सेटिंग भी हो उसमें, ठीक है? ठंडी हवा मारो अपनी दाढ़ी पे, ठंडी, समझ रहे हो? फोर्थ पॉइंट आता है, आप अपनी दाढ़ी को मॉइस्चराइज नहीं करते, ठीक है?
मैं समझता हूँ कि रोज ये पॉसिबल नहीं होता, कई बार आप जल्दी में होते हो, रश में होते हो, मॉइस्चराइज करना भूल जाते हो, बट एटलीस्ट वीक में एक या दो दिन ऐसे रखो जब अपनी बियर्ड को अच्छे से तेल लगाओ, मॉइस्चराइज करो. मतलब मैं रेकमेंड करूँगा कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल लगाओ अपनी बियर्ड पे एंड उसे हेल्दी उस अच्छे तरीके से रखो, ठीक है. अगर जो लोग दाढ़ी बांध रहे हैं वो दाढ़ी उस दिन ना बांधे एंड अपनी बियर्ड में अच्छे से ऑयल रचने दें, क्योंकि आपकी बियर्ड को भी यार रेस्ट चाहिए होता है. आपकी बियर्ड भी, आपके बाल हैं तो वो भी एक दिन मांगेगी, हाँ यार एक दिन हमें भी छोड़ दो, तो उसे रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है. तो आप एक दिन ऐसा देखो, वीक में दो दिन रखो या एक दिन रखो, दो दिन मैं रिकमेंड करूँगा, बट एक दिन तो मिनिमम मिनिमम रखो कि जिस दिन आप अपनी बियर्ड को मॉइस्चराइज करोगे, उसे धोगे, आप ऑयल लगा के उसे छोड़ रहे हो 3-4 घंटे तक, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड हो सके आप जेल लगाने से पहले भी अपनी बियर्ड को मॉइस्चराइज करो, अगर आप कोई प्रोडक्ट लगा रहे हो तो भी हल्का बहुत अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करो, ये बहुत ज़रूरी है अपनी बियर्ड के लिए. अगर आप वो जेल या वैक्स लगाने से पहले अपनी बियर्ड को मॉइस्चराइज नहीं कर सकते हो तो एक या दो दिन ऐसे ज़रूर दो अपनी बियर्ड को जिस दिन आप उसे मॉइस्चराइज कर रहे हो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बियर्ड की मिथ्स पे बिलीव करना छोड़ दो कि यार ये वाली चीज़ लगा ली, कोई प्रोडक्ट दिखा वो लगा लिया हमारी दाढ़ी उग जाएगी, कोई प्रोडक्ट और दिखा वो लगा लिया हमारी दाढ़ी उग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. सो गाइस प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट. कुछ भी मत लगाओ अपनी बियर्ड पे, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें लगाओ, अपनी बियर्ड की केयर करो, वॉश करो उसे अच्छे से, ऑयल लगाओ, ये सब चीज़ें करो, बट कुछ भी उल्टा सीधा मार्केट से उठा के अपनी बियर्ड पे प्लीज़ मत लगाओ. देखो बियर्ड प्लीज, मतलब जीन्स प्ले, जीन्स जो होते हैं आपके फादर के जीन्स, आपके मदर के जीन्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी बियर्ड ग्रोथ के. मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके, फॉर एग्जांपल यू आर एन एशियन, ठीक है, और आपके ऐसा नहीं होता कि आपके बहुत ज़्यादा दाढ़ी आती है, द जीन्स कंटिन्यू, ठीक है. पंजाब वाली साइड आपने देखा होगा लोगों के हैवी बियर्ड आती, क्योंकि पंजाब वाली साइड जीन्स बहुत अच्छे होते हैं बियर्ड को लेके, सबके हैवी ग्रोथ बियर्ड आती है. मतलब अगर आपके पापा के या आपके मदर वाली साइड के लोगों के पास बियर्ड अच्छी हेल्दी है तो आपकी बियर्ड अच्छी हेल्दी आ सकती है. अगर उनके पास जीन्स ऐसे नहीं है कि आपकी अच्छी हेल्दी बियर्ड आएगी तो आप कोई और स्टाइल ट्राई कर सकते हो. ऐसा नहीं है ज़रूरी कि यही स्टाइल सबसे अच्छा है, बट कुछ और स्टाइल ट्राई करो, बट अपनी बियर्ड को जो है वो मत खराब करो, उसका ध्यान रखो, वो और अच्छी हो जाएगी. आई प्रॉमिस वो और अच्छी हो जाएगी अगर आप उसका अच्छे से ध्यान रखोगे. ये जो मैंने आपको पिछले 4 पॉइंट्स बोले हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो वो और अच्छी हो जाएगी, बट ऐसे भी कुछ भी उठा के मत लगाना. सो दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर, जो मैं पर्सनली, मतलब बिल्कुल पर्सनली जो चीज़ें करता हूँ वो मैंने आपको बताई हैं, खुल के बैठ के इसलिए बताया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, बिल्कुल कैजुअली बताया. एंड होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड चैनल के बेल आइकन को हिट करो. टिल देन सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो.